हेलो गाइस, माय नेम इज सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 16 तक पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरी जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। हमें दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है ना। क्वेश्चन दिया हुआ है समुद्र तल से लाइट हाउस के जो यहां से ऊंचाई से देखने अवनमन कोण इसका यदि मैं इधर करूं स्ट्रक्चर अवनमन कोण कितना कितना बना हुआ है। हमें बना हुआ है दो जहाज यहाँ पर दो अवनमन कोण बन गए। देखना जो पहला वाला जहाज है 30 डिग्री, जब इसकी वैल्यू 30 डिग्री जेड बन रहा है इसकी भी कितनी होगी 30, फिर इसकी 45 है इसकी, तो इसकी कितनी होगी 45। हमें पूछा है ये जहाज फर्स्ट ये जहाज सेकेंड इसके बीच की दूरी इसको एक्स मान रहा हूँ इसको वाई मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ क्योंकि ये भी हमारे पास में नहीं इसको हम इससे निकाल सकते हैं फर्स्ट ट्राइंगल से। तो फर्स्ट ट्राइंगल का देखना एक टावर समुद्र के पास का टावर देखना क्वेश्चन नंबर थर्ड। माना दोनों जहाजों के मध्य की दूरी कितनी मानी हमने x, ठीक है, और जहाज से टावर के मध्य की दूरी y, जहाज से टावर के मध्य की दूरी। ये जहाज कौन सा वाला है सेकंड वाला, यहां से यहां तक की दूरी y, ठीक है, और टावर के हेठ में दी हुई है। तो हम दिखा सकते हैं ट्रायंगल, पहले छोटा वाला लगा लो ए बी सी डी बी सी डी बी सी डी में बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू कॉट थीटा ए अपॉन एल क्या होता है कॉट थीटा बराबर के पास बी सी की वैल्यू हमें पता है क्या नहीं पता हुआ है इज इक्वल टू सी डी की वैल्यू 75 इज इक्वल टू 75 = 45 = √3 हमने कहाँ से स्टार्ट किया, पहले हमने छोटे वाला ट्रायंगल मान लिया फिर उसके बाद में बड़े वाला ट्रायंगल को सॉल्व कर दिया, इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्टीन, इसमें फिगर दिया हुआ है हमें 1.2 लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़के की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है।
कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी याद कीजिए। देखना हम इसका डायग्राम बना लेते, दो गुब्बारे, एक गुब्बारा है इसकी धरती से, यहाँ बच्ची खड़ी है, बच्ची की हाइट करेगी 1.5, 88.5 इसकी हाइट है, ये 1.5 बता दूंगा तो कितनी आ जाएगी, जैसे 88.2 है, 1.2 है इस बच्ची की हाइट, 1.2 यदि मैं घटा दूंगा तो 80 ओवरऑल धरती से, ठीक है, तो 87 बची, तो ये कितनी होगी, 87, समझ में आया क्वेश्चन, 87 हो जाएगी। एंगल देखना, पास वाले का एंगल जिस टाइम था तो 60 और दूर वाले से था 30, मतलब यहां से ये गुब्बारा कहां पर गया, किधर, ये 87 है क्योंकि 87 है, डबल हाइट वही रहेगी, आगे बढ़ता था, राइट। तो हमें क्या करना है इसमें, गुब्बारे द्वारा तय की गई, तो देखना इसकी वैल्यू यदि मैं एक्स मान, इसकी वैल्यू में क्या मान लू एक्स, हमें ये निकालना और इसकी वैल्यू निकालना है वाई और ओ, तो इसकी वैल्यू निकालनी तो क्या होगा, वाई माइनस एक्स होगा, क्या होगा, गुब्बारे 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 द्वारा तय की गई दूरी वाई माइनस एक्स मीटर में आएगा, तो त्रिभुज पहले छोटा वाला ले लेते हैं, ए बी सी, ए बी सी डी ई, हम ट्रायंगल ए बी ई में ए बी अपॉन डी ई और थीटा ए पर है, ए बी की वैल्यू कितनी हमारे पास में एक्स, बी की वैल्यू 87, कॉट 60, एक्स अपॉन 87, कॉट 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यानी इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 87/4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वाई के भी निकाल लेते हैं ट्रायंगल ए सी डी में, ए सी डी में देख लो, ए सी अपन सी डी इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है, ए सी की वैल्यू कितनी, ए सी की वैल्यू और वाई, सी डी की वैल्यू और 87/3, 87 में से माइनस कर देते हैं, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी वाई की वैल्यू 87 माइनस रूट 3, 87 रूट 3 माइनस 87 बाय रूट 3 की 87 रूट 3 से रूट 3 गुणा होगा कितना हो जाएगा 3 माइनस 87 ऊपर से देखो कुछ कम आ रहा है 87, यदि मैं कहूँ ऊपर से क्या कम आ रहा है तो 87 क्या बचे 87 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट, परिमेयकरण कर रहा हूँ रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा 87 इंटू 2 रूट 3 डिवाइड बाय 3, 3 से 87 कितनी बार कटा, 3 से 87 कितनी बार कटा देखा उसका आंसर, यहाँ पे कर रहा हूँ 3 से 87 कितनी बार कटा है 2 टाइम करा फिर 9 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट 3 58 रूट 3 आंसर कितना है 58 रूट 3 आंसर 58 रूट 3 आंसर किसका है हमारे पास क्वेश्चन 14 मीटर आंसर।
कितनी डिस्टेंस तय की गई उसमें, उसके द्वारा तय की गई डिस्टेंस कितनी रही हमारी 38√3। राइट, क्वेश्चन समझ में आया होगा इजीली। यदि फिगर दिया हुआ है तो कुछ करना ही नहीं था। 15 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पार तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पार की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पार तक पहुंचने में कार के द्वारा किया गया समय ज्ञात कीजिए। मतलब एक क्या है, सीधा राजमार्ग है जिसकी मीनार है, तो यहाँ से मैं इसकी मीनार की हाइट एच मान सकता हूँ, बी थोड़ी है। यहाँ से कार को देख रहा है कौन नंबर कौन, यदि कहूँ मैं बात में तो कितना है 30, ये सॉरी ये जो बन रहा है कितना बन रहा है, तो उसको देखा 30 डिग्री। और जब ये यहाँ से यहाँ आ जाता है तो 60 डिग्री बदल, कितना होता है 60 डिग्री। लेकिन यहाँ से यहाँ आ रहा है 6 सेकेंड लगते हैं। इसको पूछा है यहाँ से इसको राजमार्ग पर आने में कितना समय लगता है। राइट, ये पूछा है इसको एक्स में यहाँ से आने की दूरी को भी वाई मानता है। देखना ए बी सी डी एक्स दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ, मैं ट्राइंगल हलम माना कार को राजमार्ग मीनार पर पहुंचने में लगा समय x सेकेंड, समय की यूनिट सेकेंड होती है। देखना माना ट्रायंगल BCD में BC/CD इज इक्वल टू और थीटा। BC की वैल्यू क्या है हमारे पास x, CD की वैल्यू h इज इक्वल टू 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। cos की पता है आपको 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है sin 30 के 1/2, तो cos 60 की वैल्यू 1/2 मतलब 1/√3। h उधर जाएगा x/√3 आएगा, h इधर गया ये से मल्टीप्लाई हुआ। इक्वेशन नंबर हम बड़े वाले का ले रहे हैं AC D में, देखना AC/CD इज इक्वल टू cot थीटा। AC की वैल्यू कितना है x plus y डिवाइड बाय h इज इक्वल टू cot। h की वैल्यू समीकरण x है, x plus y बाय x/√3 इज इक्वल टू cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री कितनी होती है 3, तो x plus y by x/√3 is equal to 3, तो x plus y is equal to 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 3x हो जाएगा, y is equal to 3x minus x, तो y is equal to कितना होगा 2x, 3x में से x गया तो कितना बच गया 2x, तो y is equal to 2x। हमें y की वैल्यू पता है क्या, पता है, x की वैल्यू निकाल सकते हैं y/2 दिया है, y is equal to 6 सेकंड, तो x is equal to 6/2 and 3 सेकंड। कितना टाइम लगेगा उसको वहां जाने में 3 सेकंड लगेगा, आपको बोलना है आंसर। पहले हमने क्या करा, छोटे वाले का निकाल लिया, छोटे वाले से x की वैल्यू निकाल लिया, बड़े वाले में इसको y माना था, y की वैल्यू कितनी थी 6। हमने पहले वाले छोटे वाले का निकाल लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फिर बड़े वाले का निकाला तो क्या हुआ, ये वैल्यू है हमारे पास में y is equal to 2x, 2x x की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, y की वैल्यू दी हुई है कितना 6 सेकंड, तो 6 को लगोगे 6/2 यानी 3 सेकंड आंसर। इजीली समझ में आया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, मीनार के आधार से क्या दिया हुआ है? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है, पूरक कोण कितने होते हैं जिनका योग कितना हो 90 डिग्री। पूरक कोण मतलब दो कोणों जैसे थीटा 1 प्लस थीटा 2 कहें हम तो 90 डिग्री होना चाहिए, उसको कितने पूरक कोण हमें गिवन है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। हमें सिद्ध करना है तो देखना एक हाइट पर दो अपोजिट डायरेक्शन में आधार से एक सरल रेखा 4 से 4 मीटर और एक तरफ 9 मीटर ए बी सी डी सिद्ध करना है। एच इज इक्वल टू जो हाइट है वो कितनी अच्छी है, पूरा कोण है एक थीटा है तो दूसरा क्या करते 90 माइनस थीटा कर देते, ठीक है 90 माइनस थीटा हमें प्रूफ करना है। तो मैं ट्राइंगल ए बी सी दे रहा हूँ, ए बी डी सॉरी ए बी डी में लिखना ए बी अपॉन बी डी कोऑर्डिनेट ए बी की वैल्यू कितनी है 4, बी डी की वैल्यू एच कोट थीटा एक सुनो हमें। नेक्स्ट ट्राइंगल बी सी डी में बी सी अपॉन बी डी इज इक्वल टू कोट थीटा, बी सी की वैल्यू कितनी 9, बी डी की वैल्यू एच और थीटा की वैल्यू कितनी 90 माइनस थीटा कोट 90 माइनस थीटा यहाँ थीटा की वैल्यू थीटा ही यहाँ पर कितनी 90 माइनस थीटा। क्वेश्चन नंबर यदि मैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको मल्टीप्लाई करूँ इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 मल्टीप्लाई प्लस इक्वेशन समीकरण 2 करता हूँ, ठीक ना, तो राइट साइड की तरफ राइट साइड और लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगी 4/h मल्टीप्लाई बाय 9/h कोट 90 माइनस थीटा कितना होता है अभी देख लेते हैं। कोट थीटा मल्टीप्लाई बाय कोट 90 माइनस थीटा हमें पता है 4 कितना होगा 36 एच स्क्वायर कोट और 90 माइनस थीटा कितना होता है 10 थीटा क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा फॉर्मूला होता है हमारे पास। देखना इसी का जस्ट इसी का निरूपण कर लो cot थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा को लिख सकते हैं 1 - cot ये तो इज इट इज 36 cot से cot कैंसिल वैल्यू कितनी आएगी बोल तो 36 h स्क्वायर बदल जाएगा h स्क्वायर स्क्वायर हटेगा इधर रूट लगेगा रूट के आगे क्या रखता है प्लस माइनस 36 प्लस माइनस 6 एक चीज ध्यान रखना कभी भी दूरी माइनस में नहीं होती है तो ओनली हम क्या लेंगे 6 हमें यही तो दिया था यही तो प्रूफ करना था कि हाइट कितनी होनी चाहिए 6 मीटर और फाइंड इजी समझ में आया होगा। ये हमने 9.1 खत्म कर दी थी, इसमें यही 16 क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको ये क्वेश्चन सारे इजीली समझ में आया होंगे तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो कमेंट करके मुझे बताइए। ओके okay?